वेलकम टू एवरीवन पीएलटी पंजाबी दे अज दे इस वीडियो सेशन दे विच थोड़ा सारयां दा जीएमएस मेहंदीपुर वालों बहुत बहुत स्वागत है। तो अज दे सेशन दे विच असीं करांगे असाइनमेंट 101 सिक्स क्लास की। तो साढ़े कोल फस्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा ते संपूर्ण संख्यावां नूं जोड़ना, हाउ वी कैन एड इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो दिस इज़ आर फस्ट क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन नूं असीं अटैम्प्ट करांगे, उस लई असीं एक नंबर लाइन ड्रॉ करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके नंबर लाइन पर ड्रॉ कर ली है। सानू पूछा गया है कि संख्या रेखा ते तीन अते पांच दा जोड़ करना है। वी हैव टू ऐड थ्री एंड फाइव, दीज आर द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो जीरो, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। सो वी हैव टू ऐड 3 एंड 5, तीन अते पांच दा जोड़ संख्या रेखा उपर करो, संख्या रेखा उपर करो, का उत्ते करो। सो संख्या रेखा इंग्लिश दे विच नंबर लाइन कहते हैं। तो सानू इसका एड एडिशन करनी है 3 एंड 5 की, जोड़ना है इसनों। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल असी जो आप सीख चुके हैं कि जो आप राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो इट मीनस वी आर हैडिंग टूवर्ड्स द बिगर नंबर। ठीक है, असी अगे तो अगे जिहड़ा है वड्डे संख्या वल्लों जा रहे हैं। सो 3 है साडे कोल, पहला असी 3 ते पहुँच गए क्योंकि ऑलरेडी साडे कोल 3 है। उस तो बाद इत्थे पहुँचने तो बाद कहिंदे 5 होर उहदे च ऐड किया जाए। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इत्थे पहुँच गए असी। इस तरीके आप इस तरीके लिख सकते हैं, 3 ते आए, दैन असी 4 ते आए और इत्थे असी, दिस इज़ आर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है जी। सो 3 प्लस 5 अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन इज 8, असी फाइंड आउट कर लिया है। नैक्सट इज संख्या रेखा ते -3, नंबर लाइन के उपर -3 एंड -5 का असी एडिशन करना है। सो ऋणात्मक 3 ते ऋणात्मक 5 का जोड़ आप किवें करांगे संख्या रेखा के उपर। संख्या रेखा के उपर असी काफ़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन ने। -3 अते -5 का जोड़ कर रहा है ऑन नंबर लाइन संख्या रेखा के उपर। जिमें असी वैन वी आर मूविंग फ्रॉम लैफ्ट टू राइट वी आर हैडिंग फॉर द ग्रेटर नंबर, राइट। इन द सेम वे वैन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लैफ्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्मॉलर नंबर। इत्थे की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके 7, 8, 9, 10 मतलब वाधा पिया है। जदों असी ऋणात्मक संख्यावां दी गल करदे हां तां इसदा मतलब यह है कि असी छोटी संख्यावां वल वध रहे हां क्योंकि असी ये देखते हैं कि संख्या जिहड़ा अंक हैगे वधदे पए है, लेकिन जद नाल इहदे नैगेटिव साइन है ना, इस करके संख्या घटदी पई हैगी। फिर -7, -8, -9 इस तरीके नाल अगे जाके। सो -3 एंड -5, सो पहले तो असी -3 ते आ जाना, इतने पहले ही ऑलरेडी असी इतने पहुँच गए -3 ते। इस तो अगे असी -5 मतलब 5 स्टेप्स असी होर जाना है टुवर्ड्स लैफ्ट क्योंकि माइनस लगा है नाल। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 वन इतने 4 आना सी, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 8। ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਐਡ ਪਲੱਸ 5 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 3 ਔਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ 3 ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਐਂਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਟ ਔਨ ਅ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਔਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ 5 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 3। ਸੋ ਪਲੱਸ 5 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 3 0 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 so plus 5 is this ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 3 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਜਾਂ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ। ਸੋ 1 2 3 ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਆਨਸਰ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 5 ਐਂਡ ਪਲੱਸ 3 ਮਾਈਨਸ 5 ਐਂਡ ਪਲੱਸ 3 ਇਸਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 4 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ 3 ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। 1 2 ਅਤੇ 3 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਐਂਡ ਪਲੱਸ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 2। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਓ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਟਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 5ਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਸੋਰੀ ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 11 ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 11 ਮਾਈਨਸ 13 ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ 10 ਈਡੀ ਮਾਈਨਸ 7 ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ 9 ਪਲੱਸ 10 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ 10 ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ
तो उस उन्हों की नकारात्मक सोच जुड़ जानी हैगी है तो वड्डा क्राइम करते फिर वो कर देना। तो इट मीनस फिर की है वो जो क्राइम हो अगेन की है नकारात्मक ही है नैगेटिव है तो यदा आंसर हमेशा नैगेटिव आएगा कि संख्यावान का जोड़ करने तो बाद उत्तर हमेशा नैगेटिव आएगा। इन द सेम वे जरूरी नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक वाले जे सकारात्मक सोच वाले दो इंसान मिल जाते हैं एक और एक ग्यारह भी आप सुने हैं ना मतलब ग्यारह मतलब ये नहीं कि ग्यारह लोग हो जाते ग्यारह मतलब ये कि उन्होंने जी अच्छी सोच हैगी ग्यारह अच्छे लोगों बराबर हो जाती हैगी है। सो इस तरीके जे पॉजिटिव थिंकर्स ने उन्होंने समझ जी है डबल हो जाती हैगी है जब समझ डबल हो जाएगी तो पॉजिटिविटी भी डबल हो जाएगी राइट इस तरीके प्लस निशा आंसर आएगा उसका। एक गल ध्यान रखनी है कि दो ऋणात्मक संख्यावान का जोड़ करन तो बाद जो उत्तर आएगा वह ऋणात्मक आएगा दो जुड़ात्मक संख्यावान का जोड़ करन तो बाद उत्तर जोड़ा आएगा या वो धनात्मक ही आएगा धनात्मक का उत्तर धनात्मक के ऋणात्मक उत्तर ऋणात्मक। हाँ जी हम गल करते हैं जे दोनों ही चिन्ह असमान हो मतलब बखरे बखरे हो ऋणात्मक तो धनात्मक फिर असी उसी कंटेक्सट गल करते हैं कि जिदा मतलब कि कोई नकारात्मक सोच का इंसान हैगा या तो बड़ा शक्तिशाली हैगा या तो दूजा धनात्मक मतलब अच्छी सोच का इंसान हैगा या लेकिन वो इन्ना शक्तिशाली नहीं है इन्ना तो पक्का है कि दोनों के जिहड़े विचार तो मिलने नहीं है पर फिर भी हावी केड़ा होएगा नकारात्मक सोच वाला क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है इस करके असी की करना है संख्यावान का घटाओ करके जे ऋणात्मक संख्या वड्डी है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। इस पासे आप हम गल करते हैं जे धनात्मक मतलब सकारात्मक सोच वाला इंसान शक्तिशाली है इन्ना पावरफुल है इन्ना इन्फ्लुएंशियल है तो उत्तर जड़ा है इन्हों दोनों तो घटा करके संख्यावान का उत्तर धनात्मक आएगा। इस गल का आप ध्यान रखना है इतने धनात्मक जिथे ऋणात्मक वड्डा आ जिथे धनात्मक वड्डा आ उस केस दे विच हुण असीं इधर गल करदे हां धनात्मक सत्त ते ऋणात्मक ग्यारह धनात्मक सत्त ऋणात्मक ग्यारह इतने ग्यारह है इतने सत्त है दोवां का घटाओ करो चिन्ह बखरे बखरे आ धनात्मक ते ऋणात्मक की करेंगे असी पहला तो इसनों सत माइनस एक लिख लो क्योंकि जो ब्रैकेट खोलनी हैगी है तो जमा का निशान लगाया मतलब प्लस वन इंटू माइनस इलेवन आ ठीक है धनात्मक की जो ऋणात्मक लगना होंगी तो हमेशा उत्तर ऋणात्मक आता है इसलिए माइनस ग्यारह लिख दिता से इतने हूँ असी आ वड्डा जो हो ग्यारह वड्डा आ सत्त जोड़ा छोटा आने दोवों का असं घटाओ करते हैं ग्यारह चो सत्त घटाए साढ़े को चार तो ऋणात्मक से ग्यारह मतलब कि वड्डा ग्यारह संख्या है उत्तर आएगा माइनस दे फोर चार। इस तरीके माइनस थर्टीन प्लस टेन आंसर की आएगा माइनस थ्री एक संख्या ऋणात्मक दूजी धनात्मक माइनस सैवन प्लस नाइन माइनस सैवन प्लस नाइन जिन्हें मैं गल कर रहा सगा कि जो धनात्मक वड्डा है ऋणात्मक छोटा है तो घटाओ करके उत्तर धनात्मक लिखना आप सो नौ चो सत्त घटाए दो धनात्मक इस तरीके दस चो पाँच घटाए धनात्मक पाँच ये साढ़े आंसर आना सर। उस तो बाद असी गल करते हैं नैक्सट साढ़े को क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन नैशनल अचीवमेंट सर्वे नाल संबंधित कुछ सवाल है नैशनल नैशनल असैसमेंट सर्वे दो ऋणात्मक संख्यावां का जोड़ हमेशा दो ऋणात्मक संख्यावां का जोड़ हमेशा की होंदा है
ऋणात्मक। अब अगला कितने से ना एग्जांपल देखिए, उसके बाद है माइनस 36 एंड 29 द एडिशन, द सम ऑफ नेगेटिव 36 एंड पॉजिटिव 29। तो ऋणात्मक 36 का जो असी जोड़ करांगे 29 के नाल, असी देखते पाए हाँ कि दोनों के चिन्ह बखरे बखरे हैं, असमान चिन्ह हैं, इसलिए इन्हों का घटा होएगा। सो माइनस 7 इतने आ गया, चिन्ह उड़ के जो वड्डी संख्या नाल लगा है, सो माइनस 7 आंसर। सो इस प्रकार साडा यह 6th क्लास की असाइनमेंट नंबर 101 पूरी हो गई हैगी है। तो नैक्सट असाइनमेंट 102 दिन लैके फिर हाजिर होवांगे। टिल दैन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।